हैदराबाद कहाँ आए थे पता नहीं, शायद तेरे से ही मिलने आई थी सूरज। मम्मा ससुराल पहुंच जाओ, आशीर्वाद दो, ढेरों आशीर्वाद बाबू, मामाई को सिंदूर चढ़ाना ताकि मामाई आपके सिंदूर की रक्षा करे। खुश रहे प्रांजल, खुश रहे बेटा। अरे वाह, बधाई हो बाबू। अब खत्म हो गई है या क्योर हुई है वीट एलर्जी? ये तो बहुत अच्छी खबर दी तूने मुझे, चिंता रहती थी मुझे उसकी। खत्म हो गई है उसकी एलर्जी या उसको अभी मतलब दवाइयां चलेंगी उसकी? मेरे पास लेके आना, उसको चॉकलेट दूंगी। काफी दिन से बच्ची ने बहुत परहेज किए हैं, छोटी सी बच्ची ने। क्या चंडीगढ़ क्या कह रहा है दुग्गल? दुग्गल तो ठीक है ना, क्योंकि पता नहीं क्यों 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, तेरे से मिल लूं। नहीं, 12 बजे के बाद जाप पे नहीं बैठ सकते। नागपुर भी आ जाओ माँ, बेटा मामा ही की इच्छा। ढेरों आशीर्वाद रही, ढेरों आशीर्वाद रुड़की वालों। अच्छा ठीक है दुग्गल, ठीक है पुनीत, खुश रहे बेटा। चल कोई नहीं, अब ठीक है ना, माँ का सर तो होना ही था बेटा। इसकी सेवा पे नहीं बैठेंगे अब, इसका समय होता है, वो पहुंच लेती है अपने समय पे। बेटा इसलिए लिया ये पूछा सिखाने का डिसीजन, कुछ बच्चे कहीं पर भेजे थे मैंने, कई जगहों पर भेजे थे मैंने, और वहाँ भेज करके मैंने ये देखा कि लोगों को बस पैसे के लालच में या किसी बहाने से गद्दियाँ बांटी जा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके नाम की गद्दियाँ चल जाएँ, इसलिए कि उनका नाम हो जाए भाई फलाने की गद्दी है।